नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेकानंद स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल को दबाना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में आप हमें टेलीग्राम ट्विटर इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। और आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आप लोग जो भी कमेंट करते हो मैं सभी कमेंट रीड करता हूँ, राइट। और आप सभी को पता है कि मेरे रिसर्च करने का तरीका बहुत लोगों को पता चल चुका होगा, राइट। मैं किस तरीके से रिसर्च करता हूँ वो अगर आप मेरे वीडियो रेगुलर देखते हो तो आपको भी समझ आ चुका होगा मेरा पैटर्न, ठीक है। और आप लोग जो कमेंट करते हो मैं उसको रीड करता हूँ, और मोस्टली उन्हीं स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाता हूँ जो लोग नीचे कमेंट करते हैं, क्योंकि मैं भी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं स्टॉक ढूंढ के उसके वीडियो बनाऊं। तो आप लोग जो कमेंट करते हो जो आप लोगों को अच्छा लगता है, और उसके बाद जब वो स्टॉक मुझे अच्छा लगता है तो मैं वीडियो बना देता हूँ। तो नीचे कमेंट पक्का करना, क्या पता अगर मैंने उसको वीडियो बनाया तो स्टॉक अच्छा होगा, अगर नहीं बनाया तो समझ जाना घटिया होगा, ठीक है। और ध्यान रखना, मैं मोस्टली जो वीडियोस बनाता हूँ पैनी स्टॉक पर बनाता हूँ, तो अगर पैनी स्टॉक होगा तो मैं वीडियो बना दूंगा। बड़ा स्टॉक होगा 50, 200, 300, 400 रुपए का तो शायद मैं वीडियो नहीं बनाऊँ, क्योंकि 200, 300, 400 के तो स्टॉक मैंने अपना शेयर पहले ही कर रखे, और 10-12 शेयर करने से बढ़िया एक दो शेयर में डाल दो पैसा, वही आपका पैसा ग्रो कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक मैंने स्टॉक सेलेक्ट किया है और उनका ये अनुमान है, ठीक है। उन्होंने लिखा भी था, अच्छा लिखा था उन्होंने, जब मैंने देखा खुद तो मुझे भी अच्छा लगा स्टॉक। तो उन्होंने ये लिखा है इसमें कि भाई ये स्टॉक में ना प्रमोटर्स की होल्डिंग ठीक ठाक है, और ये स्टॉक में LIC का पैसा लगा है, और ये केमिकल पैनी स्टॉक है, राइट। और कंपनी लगातार प्रॉफिटेबल बिजनेस में है, तो मतलब सब कुछ मुझे स्टॉक में अच्छा लगा। बुक वैल्यू स्टॉक की बहुत हाई है, और चार्ट पैटर्न तो और अच्छा लगा। तो मतलब सब कुछ स्टॉक में ओके है, बस आप अपना मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना और स्टॉक को आप एक्युमुलेट करके चल सकते हो। तो मैं आपको एक तरीका बतलाऊंगा स्टॉक में आपको क्या करना चाहिए। अगर फ्यूचर में मान के चलो आपने बड़ी क्वांटिटी ले ली या कुछ बड़ा काम स्टॉक में कर लिया, तो आप क्या करोगे, अगर वो स्टॉक जब तक उस मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, तो आप स्टॉक को कैरी कर सकते हो। अगर वो उसके नीचे क्लोज करता है तो आप बिना सोचे समझे समझे स्टॉक से एग्जिट कर देना, क्योंकि होता क्या है, किसी स्टॉक का एक ट्रेंड होता है। जो अभी स्टॉक जिसकी मैं बात करूंगा वो अभी ट्रेंड नहीं है, वो एक साइडवेज मार्केट में ट्रेड कर रहा है। साइडवेज मार्केट मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में झूल रहा है, तो कुछ समय तक वहां झूल सकता है, लेकिन जैसे ही ये ब्रेकआउट करेगा स्टॉक में एक भयंकर वाली तेजी आएगी जो स्टॉक को बहुत ऊपर तक लेके जा सकता है, राइट। तो दिखाता हूं मैं आपको स्टॉक का नाम, फुल स्टोरी। और वीडियो को लाइक कर देना अगर आप अभी तक देख रहे हो, शेयर कर देना, ठीक है, ताकि ऐसे वीडियो आपके लेके आता रहो। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हो जिस स्पेनिश स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, मात्र 53 रुपए का ये पेनी स्टॉक है। और आप देख सकते हैं जो कंपनी का बिजनेस है, ये मैन्युफैक्चर करती है केमिकल्स हैविंग प्लांट, राइट। चाहो तो अगर आपको स्टडी करनी है कंपनी के बारे में तो आप वेबसाइट पे जाके स्टडी कर सकती हो, राइट। तो ये देख सकते हो, ये है वो कंपनी, कंपनी की वेबसाइट, जाके आप स्टडी कर सकती हो। बाकी नहीं करनी स्टडी तो आप जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो भी इनफ है मेरे हिसाब से, ठीक है। BSE का पेनी स्टॉक है, मार्केट कैप 18 करोड़ का है, मतलब छोटा मार्केट कैप है, और प्लेज होल्डिंग 1 रुपए के नहीं है। ROC और रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव देखने को मिलता है, और साथ में स्टॉक की जो बुक वैल्यू 95 रुपए के आसपास की है। स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड नहीं कर रहा है, ऑल टाइम लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब एक अच्छा डिसेंट बाय बन सकता है, ठीक है। और बाकी कंपनी आपको डिविडेंड पे आउट नहीं कर रही है। नीचे लेके चलता तो आपको देखने को मिलता है, जैसे मैंने आपको बतलाया कि कंपनी आपको रिपीटेड प्रॉफिट दे रही है, तो ये ऐसी कंपनी है जो लगातार प्रॉफिटेबल बिजनेस में है लेकिन आपको डिविडेंड पे आउट नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या होता है, कंपनी लॉन्ग टर्म गोल होगा और विजन होगा, इसलिए कंपनी आपको डिविडेंड नहीं दे रही है। तो मतलब कंपनी के जो प्रमोटर्स है उनका बिलीव है कि कंपनी फ्यूचर में अच्छा कर सकती है। और जैसे मैंने आपको बताया केमिकल स्टॉक है, तो मैं यही बोलूंगा SRF को छोड़ो, इस पैनी स्टॉक को बाय करो इतना कर सकती हूँ, लेकिन एक सोच समझ के साथ करना तो सही रहेगा, ऐसे आंखें बंद करके कुछ नहीं करना होता है। आप देख सकते हो क्वार्टरली नंबर्स की बात कर लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो नंबर्स तो कंपनी के इतने अच्छे नहीं है, और देख सकते हो 11 लाख की सेल्स होती है, प्रॉफिट आपके सामने है। बाकी बात करते हैं ईयरली परफॉर्मेंस, तो आप देख सकते हो क्लियरली कंपनी की जो सेल्स है, ज्यादा बड़ी सेल्स कंपनी नहीं जनरेट कर पाती है अभी तो, और नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हो, लॉस मेकिंग कंपनी थी पास्ट में और अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिया लास्ट ईयर, ठीक है। बाकी बैलेंस शीट की बात करते हो, डेट कंपनी के ऊपर छोटा मोटा डेट है 12 करोड़ का, और रिजर्व भी ओके ओके है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है शेड्यूलिंग पैटर्न,
यहाँ प्रमोटर्स की होल्डिंग 36% है, डीआईए की होल्डिंग 24% है और पब्लिक का होल्डिंग मात्र 38%, जिसमें 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 रिटेल का पैसा, इंडिविजुअल ग्रुप का पैसा लगा हुआ देख सकते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल रिटेल का पैसा बहुत कम लगा हुआ है, बड़े इंडिविजुअल का पैसा लगा हुआ है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। बाकी ये देखो यहाँ पर एलआईसी की स्टॉक में होल्डिंग 23%। अब आपको सोचो कि 2019 से लेकर अभी तक इन्होंने होल्ड करा हुआ है इस स्टॉक को, तो कुछ ना कुछ तो अंदर हो रहा होगा ना भाई, तभी इन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है। तो एलआईसी तो पागल है नहीं जो इतना बड़ा पैसा इतनी बड़ी होल्डिंग स्टॉक में बाय करके छोड़ देगी, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो बड़ा है ना भाई। अब देखो लॉस मेकिंग कंपनी है, कुछ ना सब कुछ कंपनी में नुकसान है, मतलब है ना, आपको अभी क्या दिख रहा है? हमें तो नुकसान दिख रहा है ना कंपनी में भाई, है ना। अगर आप अभी को देख के काम कर रहे हो तो नुकसान है, तो भाई एलआईसी पागल है जो एलआईसी ने इसको बाय करा हुआ है। मैं क्या समझाना चाहता हूँ, मैं समझाना चाहता हूँ जो लोग नीचे कमेंट करते हैं कि पैनी स्टॉक में ये होता है, ये होता है, वो होता है ना, कि लॉस मेकिंग कंपनी है, प्लेज होल्डिंग है, कैसे बाय कर ले, ये कैसे 100 रुपए चले आएगा, तो भाई एलआईसी को देखो ये क्या है, कि एलआईसी का पागल है जिसने यहाँ पैसा डाल दिया, ठीक है। अब कोई भी इनकी मजबूरी होगी, अब मजबूरी इतनी बड़ी तो होगी नहीं कि भाई 24% का स्टेक बाय कर लेगी कंपनी में, ठीक है। तो मैं यही समझाना चाहता हूँ कि कुछ पैटर्न होते हैं, ठीक है। एलआईसी को भी पता है कि भाई केमिकल सेक्टर आगे बूम कर सकता है, राइट। और जो भी रिसर्च होती है दो प्रकार से होती है, या तो भाई आप टेक्निकल्स कर लो या आप फ्यूचर को देख के कर लो। अब फ्यूचर को देख के क्या पता एलआईसी ने कराओ, और लेकिन मैं जो टेक्निकल्स को देख के ज्यादा रिसर्च करना पसंद करता हूँ, क्योंकि एलआईसी के पास बहुत बड़ा पैसा है, बड़ी टीम है, तो वो रिसर्च कर सकती है। लेकिन हमारे पास की टीम नहीं है ना पैसा है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास साधन है, जो फ्री सोर्स है, उसको यूज करके हम अपना पैटर्न बनाएंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से स्टॉक अच्छा लगता है, आप स्टॉक को नजरों में रख सकते हैं। फ्यूचर में अगर स्टॉक आपको 200-300 रुपए दिख जाए फ्यूचर में, ठीक है, 2-1 सालों में, तो चौंकना मत, क्योंकि इसमें वर्थ है, ठीक है। अभी लॉस मेकिंग है लेकिन फ्यूचर में वर्थ है, ठीक है। यही चीजें इसको बड़ा बनाती है, जो आपको दिख रहा है एलआईसी ने पैसा डाला हुआ है, प्रमोटर्स की काफी अच्छी होल्डिंग है, प्रमोटर्स आपको डिविडेंड पे आउट क्यों नहीं कर रही है, ये सब क्वेश्चन अपने आप से पूछना, ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन ये जो चीजें होती है लॉन्ग टर्म में काम करती है, शॉर्ट टर्म में काम नहीं करती। 6-7 महीने के लिए स्टॉक नहीं है ये, 6-7 महीने वाला स्टॉक बिल्कुल नहीं है ये, अगले 5 सालों तक अगर होल्ड कर सकते हो तभी पैसा डालना, नहीं कर सकते तो मत डालना, ठीक है। और चार्ट पैटर्न की आप बात कर लेते हैं, तो आप क्लियरली देख सकते हो मैंने यहाँ स्टॉक का चार्ट पैटर्न खोल दिया है, और आपको क्या नजर आता है, मुझे तो यहाँ पर यह नजर आता है कि स्टॉक देखो लगातार रजिस्ट्रेशन ले रहा है, रजिस्ट्रेशन ले रहा है, रजिस्ट्रेशन ले रहा है, 3 बार रजिस्ट्र कर चुका है 100 रुपए के प्राइस। अब ये स्टॉक अगर 100 रुपए के ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो स्टॉक में तेजी आएगी, और डेफिनेटली सस्टेन करेगा इस बार, क्योंकि इसने 3 बार यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लिया है, और देखो यहाँ पर एक अच्छा खासा डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ स्टॉक अभी सपोर्ट एरिया के आसपास है, तो यहाँ स्टॉक को आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो, अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है, जो रिस्क ले सकते हैं। तो भाई देखो दो स्टॉप लॉस निकल के आते हैं, एक तो ये स्टॉप लॉस है, एक तो ये स्टॉप लॉस है। अब आप अपने आप से पूछ लो आपको क्या लगाना है, ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है वो लगा सकते हो, राइट। मेरे हिसाब से अगर आप चाहो तो स्टॉक को यहीं बाय कर सकते हो, लेकिन हाँ स्टॉप लॉस पक्का लगाना भाई, विदाउट स्टॉप लॉस कभी काम नहीं करना है, और बाकी इसमें वॉल्यूम थोड़ा कम है तो सोच समझ के इन्वेस्ट करना, ठीक है। स्टॉप लॉस तो मत लगाना, इसमें काम करना, इसमें छोटी छोटी क्वांटिटी लगा छोड़ दो, ठीक है। जैसे मान के चलो 1000 रुपये भी डाल दिया, फिर 1000 रुपये नीचे डाल दिया, ये हाँ ऐसे करके डालो कि इसमें वॉल्यूम थोड़ा कम है यार, वॉल्यूम थोड़ा कम क्या, बहुत ज्यादा कम है वॉल्यूम स्टॉक, हाँ यही सबसे अच्छा ऑप्शन मुझे नजर आता है, ठीक है। तो मैंने आपको अपना व्यू बता दिया, देखो मैंने वॉल्यूम देखने के बाद अपना लास्ट में अपना व्यू शेयर किया ना कि यार पैसा कम डालना, क्योंकि वॉल्यूम कम है, अगर बड़ा पैसा डालोगे तो यार ये नीचे की तरफ आ जाएगा, फिर आप उससे निकल नहीं पाओगे, तो आप मुझे बोलोगे बाद में। ये सब चीजें अंत में बढ़ाई जाती है सब कुछ देखने के बाद, टेक्निकल्स तो मैटर करता है भाई, देखो टेक्निकल्स आप बोल रहा है वॉल्यूम कम है, तो स्टॉक में आप छोटा छोटा मोटा ही इन्वेस्ट कर सकते हो, बड़ा तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इसमें इतना तो दिख रहा है मुझे, ठीक है। बाकी ध्यान रखना स्टॉक अच्छा है, फ्यूचर में अगर डीलिस्ट भी होता है तो डीलिस्ट दोबारा से होगा और स्टॉक बड़ा ही करेगा कुछ, ठीक है। तो आप नजरों में रख सकते हो अगर किसको करना रखना है तो, ठीक है, जिसको केमिकल स्टॉक में पैसा डालना, तो ये स्टॉक बन सकता है केमिकल की बोला, राइट। और मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ, 3 रीजन है भाई, देखो एलआईसी का पैसा है वो तो है ही, लेकिन 2 रीजन और है, ठीक है। 2 रीजन क्या है, देखो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, ये पॉइंट ये बहुत बड़ा पॉइंट है अपने आप में, ठीक है। कंपनी लगातार प्रॉफिटेबल बिजनेस में है और आपको प्रॉफिट दे रही है और आपको डिविडेंड पे आउट नहीं कर रही, बड़ा बहुत बड़ा पॉइंट है, साथ में बुक वैल्यू सस्ते में ट्रेड कर रहा है। ये 2 पॉइंट मेरे लिए पर्सनली काफी होते हैं कि स्टॉक को देखने के लिए, उसके बाद मैं देखता हूँ टेक्निकल्स कहाँ एंट्री हो सकती है। देखो टेक्निकल सस्ता है, ठीक है, 53 में बाय कर सकते, लेकिन 40 रुपए का स्टॉक लगा लेना, क्वांटिटी सोच समझ के लगाना क्योंकि स्टॉक में वॉल्यूम बहुत कम है, ठीक है। तो ये था मेरा व्यू स्टॉक के बारे में, जिसने कॉमेंट किया धन्यवाद, बाकी मिलते हैं अगली क्लास।